1 जुलाई से न्यायालय के समय में परिवर्तन के साथ कानून व्यवस्थाएं भी बदली नजर आएंगी। आईपीसी सीआरपीसी के साथ एविडेंस के नाम भी बदल जाएंगे। 3 कानून बदले जाने पर न्यायालय के साथ पुलिस और अधिवक्ताओं को भी कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 1 जुलाई से न्यायालय के समय में परिवर्तन होने के साथ कानून व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। आईपीसी सीआरपीसी के साथ एविडेंस के नाम भी बदले नजर आएंगे। कानून बदले जाने पर न्यायालय के साथ पुलिस और अधिवक्ताओं को कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन में मई और जून माह में सुबह 7 से अपराह्न 1 बजे तक का समय चल रहा है, लेकिन दीवानी में 1 जुलाई से पूर्व की भांति सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय हो जाएगा। अभी हरवांसी की बात ही क्या है कि सिविल 1 महीने के लिए बंद हो जाती हैं। 30 मई से 30 जून तक के लिए सिविल की कोर्टें पूर्णतः बंद हो जाती हैं, और इसलिए थोड़ा सा आजकल सिविल की कोर्ट बंद हैं तो दीवानी में कम भीड़ भाड़ है। ऊपर से क्या है, 10-10 दिन की एक रेजिस मिलती हैं, छुट्टी मिलती हैं अधिकारियों को, बाबू को, क्लर्क को, सभी को। तो आजकल ज़्यादातर अधिकारी 10-10 दिन की छुट्टियों पर ही हैं, चले जाती हैं, तो इस वक्त कोर्टों में काफ़ी कम काम चल रहा है और भीड़ भाड़ भी कम है। 1 जुलाई से पूर्वतः सभी अदालतें खुल जाएंगी, सिविल की इनकी अधिकारियों की भी आ जाएंगी, तो काम अच्छे स्तर से शुरू हो जाएगा। 3 कानून बदले जाने के साथ धाराओं में भी बदलाव होगा, जिससे न्याय व्यवस्था से लेकर पुलिस, अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालयों में नए और पुराने मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, इससे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी तो सुबह 7 से कचहरी है और 1 जुलाई से सुबह 10 बजे के पूर्व की भांति समय हो जाएगा। दीवानी में 1 माह से सिविल कोर्ट भी बंद चल रहे हैं, इस वजह से सिविल के मामलों में वादकारियों का भी आना जाना कम हुआ है। 1 जुलाई से विधिवत रूप से सुबह 10 बजे से सभी कोर्ट खुलेंगे, इसके बाद वादकारियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।